हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप सबका हमेशा क्वेश्चन होता है कि सर मैं बीम में जाऊं कि स्ट्रक्चर में जाऊं। फिर मैं पूछता हूं कि तुमको क्या लगता है कि तुम्हें किस में जाना चाहिए, तो तुम बोलते हो सर मुझे तो सैलरी से मतलब है, क्या पैकेज मिलेगा और किस में ज़्यादा पैकेज मिलेगा वो मुझे बता दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने करियर को चूज़ करना चाहता हूँ। तो जो सबसे बेस्ट प्रोफाइल है सिविल इंजीनियरिंग में, आप सबको पता है, एक है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग और एक है आपका स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। आजकल मैं आप सबके लिए जॉब्स गाइड करके एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जॉब की बातें करता हूँ। और यहाँ पर आपको मैंने एक जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर की भी ओपनिंग दे दी और एक बीम की भी ओपनिंग दे दी। आज इन दोनों के सैलरी पैकेज की बात करूंगा, इन द सेंस कि अगर आप स्ट्रक्चर में करियर स्टार्ट करते हो तो कितना मिल सकता है, और आर्किटेक्चर इन द सेंस BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में स्टार्ट करते हो तो सैलरी कितनी मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और होप आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि जो लोग भी जॉब सर्च कर रहे हैं, मूव करना चाहते हैं ऑफिस जॉब में, तो आप जॉब्स गाइड करके चैनल है, यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके इसको सब्सक्राइब कर लेना, प्लस इसके वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा स्प्रेड करना, सो दैट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अच्छी अच्छी ओपनिंग्स आप सबके लिए लेके आ सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि बीम में क्या सैलरी स्टार्टिंग हो सकती है और कहाँ तक आप जा सकते हो। तो चलिए, और उसके साथ स्ट्रक्चर में भी बताऊँगा आज के ही वीडियो में। दोस्तों, ये बीम सैलरी रिपोर्ट है, ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका नाम है beamcorner.com, ठीक है, वहां से बनाया गया है, ऑल ओवर वर्ल्ड का है एक्चुअली ये। तो मैं इसकी सीट आपको शेयर कर दे रहा हूं, आप वहां से देख भी सकते हो, प्लस मैं इंडिया की बात करता हूं अभी, तो क्योंकि अभी हम इंडिया में है तो इंडिया की बात। तो इंडिया में जो जॉब में अगर आप देखोगे बीम में, तो बीम की सबसे छोटी प्रोफाइल होती है वो होती है कैट ड्राफ्टर की। कितनी होती है? कैट ड्राफ्टर की, जिसके लिए डिप्लोमा और ITI होल्डर भी जा सकते हैं। इसकी जो सैलरी होती है वो स्टार्ट, मतलब सबसे छोटी कंपनी होगी तो यहां पर 96,000 आपको मिनिमम सैलरी मिल ही जाएगी। अब अगर एवरेज सैलरी की बात करूं तो एवरेज सैलरी इसमें 2,00,000 रुपए होती है पर ईयर, 2,00,000 पर ईयर है, ठीक है, एवरेज सैलरी एक कैट ड्राफ्टर पा सकता है। और मैक्सिमम एक कैट ड्राफ्टर कितना पा सकता है? 5,40,000, ये आपका एक ड्राफ्टर की हाईएस्ट सैलरी हो सकती है। इसलिए अगर आप कैट ड्राफ्टर के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपसे ये बोलूंगा कि अपने आप को अपडेट करो, और अपडेट ऐसा करो कि आप जल्दी से जल्दी जा सको आगे वाली प्रोफाइल्स पे, मींस बी मॉड्यूलर की प्रोफाइल पे। क्यों भाई? कि बी मॉड्यूलर को एक अच्छी सैलरी मिलती है, और बी मॉड्यूलर को मिनिमम अगर मिलेगी तो 96 से डेफिनेटली उसका भी मिनिमम रहता है, ठीक है, लेकिन एवरेज जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2.6 के ऊपर, मतलब 2,60,000 के ऊपर मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ये एवरेज कम मिलने लगता है, 2,60,000 कम मिलने लगता है? 1 ईयर के एक्सपीरियंस पे आपको 100% ये सैलरी मिलेगी ही मिलेगी प्रोफाइल में। ये मैं सर्वे किया हूँ, मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा भी, इतना मिलेगा। अगर आपके पास अप्रॉक्स 5 ईयर के आसपास का एक्सपीरियंस, मीन 4 ईयर 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप इस पैकेज पे आराम से पहुंच जाएंगे बीम मॉड्यूलर ही अगर रहेंगे तो। लेकिन अगर आपने अपने आप को अपडेट कर लिया है तो आप यहां से आगे भी जा सकते हो, आगे इन द सेंस बीम कोऑर्डिनेटर भी बन सकते हो। इसके लिए मिनिमम सैलरी, कोऑर्डिनेटर की हाई पैकेज होते हैं, ठीक है, मिनिमम सैलरी ये है, और एवरेज इन द सेंस आफ्टर 1.5 ईयर्स कोऑर्डिनेटर में काम करने के बाद आप ये सैलरी पैकेज उठा सकते हो। और अगर आपके पास 5 ईयर प्लस, मीन 7-8 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, तो आप ये सैलरी उठा सकते हो। सबसे ज़्यादा वो सैलरी होती है वो बीम मैनेजर की होती है। तो बीम मैनेजर की जो सैलरी होती है वो टोटल ये होती है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम अगर है आप तो ये मिलेगी, सबसे छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ, एवरेज पैकेज ये मिल जाएगा आपको। और मैक्सिमम आपको अगर अप्रॉक्स 7-8 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप उसके बाद आप 20 लाख तक का पैकेज ले सकते हैं बीम मैनेजर के तौर पर। अब आप सोचोगे सर ये मैं बीम मैनेजर बनूँ कैसे, क्योंकि मुझे, मेरा टारगेट तो ये है। अच्छी बात है, आपका टारगेट है, मैंने इसके लिए कंप्लीट 4 मंथ्स का कोर्स तैयार किया हुआ है, अगर आप चाहो तो उसको भी यहाँ पर आप ले सकते हो और पढ़ सकते हो, कई लोगों ने पढ़ा भी है। अगर आपको ही पढ़ना है तो आप इस अपना यूनिक सिविल का ऐप है वहाँ पर जाइए, स्टोर में जाइए, और वहाँ पर बीम का कंप्लीट कोर्स, कहाँ गया बीम का कोर्स, ये है, ये पूरा बीम मैनेजर बनने तक का कंप्लीट कोर्स मैंने बनाया है 4 मंथ्स का। आपकी इच्छा हो तो आप इसको भी यूनिक सिविल ऐप से ले सकते हो। अब ये तो रहा आपका इंडिया का पैकेज, इसके साथ ही साथ अगर आप देखो दूसरे कंट्रीज का, हांगकांग का देख लो आपके सामने सैलरी है, ठीक है,
जर्मनी की सैलरी है, ठीक है, फ्रांस का है, मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको लिंक दे दे रहा हूँ, आप कनाडा का हर जगह का सर्च कर लो, कनाडा में आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। और इसके ऊपर वाली प्रोफाइल्स में जाओगे अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंट्रीज में ज़्यादा है, बट इंडिया का मैंने जो एवरेज पैकेज था वो आपको बता दिया। ये पैकेज कहाँ से डिसाइड हुआ आपके दिमाग में भी आ सकता है, तो भाई ये पैकेज जो एक एवरेज पैकेज निकाला गया है इंडीड से, क्लास डोर से और नौकरी से, आपको पता है ये तीनों बहुत ही फेमस साइट्स हैं। इन पर जो एचआर डालते हैं सैलरी उसके बेस पे इन्होंने रिकॉर्ड तैयार किया हुआ है और ये रिकॉर्ड 100% वैलिड रिकॉर्ड है, ठीक है जी। और अब आगे चलते हैं कि स्ट्रक्चर इंजीनियर को सर कितनी सैलरी मिल सकती है, तो चलिए स्ट्रक्चर के तौर पर भी चलते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर की जो एक अप्रॉक्स मिनिमम सैलरी जो मिल जाती है वो मिलती है 21,000 एज पर सर्वे। इंडीड आपको पता है बहुत बड़ा ग्रुप है तो उसके सर्वे के अकॉर्डिंग 21। अब ये 21 जो सैलरी होती है एवरेज जो भी लिखते हैं हम लोग, ये वन ईयर की सैलरी होती है, मतलब आफ्टर वन ईयर ही होती है ये सैलरी। अब कई कंपनी में थोड़ी ज़्यादा, कई कंपनी में थोड़ा कम, लेकिन आफ्टर वन ईयर आपको ये सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि वन ईयर के बाद ये मान के चलते हैं कि आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर के तौर पे काफ़ी नॉलेज हो चुका होगा एक साल में। बट और डीप में इसको समझे तो, और डीप समझेंगे तो आइए यहाँ पर और आपको दिखाते हैं कि कितने भी बुरे हाल में रहोगे तो आपको 2.28 का पैकेज मिल जाएगा। कितने का? 2.28 का पैकेज स्ट्रक्चर में मिल ही जाएगा। jobted.in करके ये बहुत अच्छा वेबसाइट है जिसके सर्वे के अकॉर्डिंग ये है। और इसमें एवरेज सैलरी मींस आफ्टर 4 to 5 ईयर आपकी 100% सैलरी ये रहेगी, 5.23 स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और सीनियर लेवल पे आप जब जाते हैं मींस 6 ईयर या 7 ईयर की जो सैलरी होती है आपकी ये सैलरी होती है, और हाई सैलरी 14+ होती है। 14+ कब होता है? आपका 9 से 10 साल के आसपास का जो करियर रहता है वहाँ पर आपको ये सैलरी आराम से मिलती है। इसके अलावा कुछ कंपनीज जब आप बड़े लेवल पे जाते हो तो आपको शेयर्स भी देती हैं, तो बोनस वगैरह बहुत अच्छे लेवल का होता है जब आप हायर प्रोफाइल पे जाते हो, तो वो अलग रहता है। प्लस ये जो सैलरी की बात करूँ तो ये और सीनियर लेवल की ये एवरेज सैलरी इनकी और ये लो सैलरी इनकी ये रहती है। और भी हमने सर्वे किया इनके बारे में, मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर प्रोफाइल पे, तो एक अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर जो एवरेज स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो अप्रॉक्स 4 5.4, ये कब? 3 to 4 ईयर के एक्सपीरियंस पे, ये देखो यहाँ पर है, ठीक है। मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 लाख का मिलेगा ही मिलेगा, और इसके बाद आपको 5.4 और यहाँ तक आपको लगभग 10 लाख रुपए का पैकेज, 10 से 11 लाख का पैकेज मिल जाएगा। अब इसमें लोकेशन भी डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ देखोगे नीचे आके तो आपको लोकेशन दिया रहेगा, इसमें नहीं दिया, शायद दिया है क्या, इसमें देखिए आपको अलग अलग जगहों पे पुणे का अलग लोकेशन पे सैलरी, चेन्नई का अलग। इसलिए हमेशा याद रखना कि सैलरी जो होती है वो लोकेशन बेस होती है, ठीक है। एक जगह मैं देख रहा था वहाँ पर लोकेशन दिखाया था, हाँ यहाँ पर देखिए, हाईएस्ट पेइंग सिटीज़ फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, कौन सी सिटी ज़्यादा पे करती है सैलरी? सबसे ज़्यादा मुंबई करती है, आप सबको पता है वहाँ पर हाई रेंज स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं, तो सैलरी पैकेज डेफिनेटली वहाँ पर ज़्यादा रखना पड़ेगा। उसके बाद नोएडा में अच्छा सैलरी पैकेज है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, अहमदाबाद में है, हैदराबाद में है, नागपुर में है, बेंगलोर में, ये टॉप सिटीज़ हैं, टॉप 8 सिटीज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर इंजीनियर का डिमांड है और सबसे ज़्यादा इनको सैलरी है। तो अगर आप सर्च कर रहे हो तो इन सिटीज़ में करोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा स्ट्रक्चर्स में। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई ये कहाँ पर है और कैसे कैसे करना है। अब इसके लिए आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये सब बहुत अच्छी कंपनी, रेपुटेटेड कंपनीज हैं, इनकी 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस पे 4 लाख का पैकेज है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ JW का, ब्लैक एंड बीस का भी 4 7.4, ये हाई सैलरी वाली है, ठीक है। और ये जो कंपनी है दार ग्रुप बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें IITians को भी हायर करते हैं लोग, 7.3 का इनको मतलब स्टार्टिंग लेवल पे ही 1 साल 1.5 साल के एक्सपीरियंस पे दे देती हैं। ये सारे दिल्ली बिल्डकॉन आप सबको पता है, मतलब MP की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, स्पेक्ट्रम है और कैटेरा है और बहुत से ढेर सारी कंपनीज है जिनको आप सर्च कर सकते हो। ये सारी कंपनीज का मैं लिस्ट यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना जाए। और बीम की एक एवरेज सैलरी यहाँ पर लॉक है, मैं फिल नहीं करूँगा, बहुत टाइम लगेगा। एवरेज सैलरी बीम के मैंने आपको दिखा दिया 24.85, मतलब अगर निचोड़ निकाला जाए तो 1 साल के एक्सपीरियंस पे 20+ सैलरी दोनों में हो जाएगी, किस में बीम में भी और स्ट्रक्चर में भी। अब अगर आपको बीम में एंट्री करना है तो मैंने आपको बता दिया दिस कोर्स इज सफिशियंट। अगर आपको स्ट्रक्चर में ओपनिंग करना है तो 100% गारंटी के साथ अगर आप
यूनिक्स सिविल ऐप से ऑल इन वन कोर्स कंप्लीट कर लेते हो 300 आवर्स का, स्ट्रक्चर की ओपनिंग्स आराम से आप क्रैक कर सकते हो। तो होप आपको दोनों मैंने क्लियर कर दिया, स्ट्रक्चर का भी और बीम का भी, कहां पर क्या सैलरी होता है। बाकी आपको ये लिंक्स दे दे रहा हूं, आप और रिसर्च करिए, और जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग मैंने सर्च करके आपको दिखाया कि देखो भाई ये सैलरी आप पा सकते हो। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, मुझे अप्रिसिएट करना, शेयर करना, और साथ ही साथ जॉब्स गाइड को जाके जरूर सब्सक्राइब करना। रीजन ये है क्योंकि इस पर मैं डेली एक एक ओपनिंग्स लेके आ रहा हूँ, तो आपके लिए भी यूजफुल होगा। ये भी लेके आया और ये भी लेके आया, नेक्स्ट ओपनिंग्स बहुत अच्छी आ रही है। आप अपना लोकेशन बता सकते हो, प्लस कौन सी प्रोफाइल में आप जॉब सर्च कर रहे हो बता दोगे, तो क्या होगा कि जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग, मतलब मैं भी उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब सर्च करके दे दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।